दोस्तों, गौहर गारमेंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं, एप्रोन बनाने का तरीका बताएंगे आपको, इसका कटिंग बता दिए थे और उसके बाद में आप सिलाई का बताएंगे। आपको जो है पार्ट बाय पार्ट करके बता रहा है, एक वीडियो में उतना संभव नहीं है बताने का, इसलिए पार्ट बाय पार्ट करके बता रहे हैं। ये देखिए, इस तरह का एप्रोन हम लोग बना रहे हैं। इसको थोड़ा सा हमने पहले बता दिया है, अभी दूसरा भाग हम दिखा रहे हैं आपको। देख लीजिए इस तरह से, ये अभी दिखाएंगे आपको। ये जो अंदर में यहाँ पर देखिए, ये मोबाइल रखने के लिए जो है पॉकेट बना हुआ है। इसका एप्रोन के अंदर में चैन लगा हुआ, इसको हम दिखाएंगे अभी। और पॉकेट का वगैरह सब दिखा दिया है हमने, आप देख चुके हैं। बैग भी हमने बना के दिखा चुका है। अब इसको जो है हम पॉकेट बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पर है, ये आप देख रहे हैं, ये बैग जो है तैयार किया हमने। इस तरह से पीछे आग बना हुआ है, पीछे का है बैग लीजिए। और इस तरह से नीचे तरफ से हम दिखाते हैं आपको, ये चैन का यहाँ से जो है लगा लीजिएगा इसको। ये चैन जो है, इस चैन को बिठा के लेना है यहाँ से, देखिए। ये देख लीजिए, यहाँ से हमने जो है ऊपर से अटैच कर दिया है। और ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो है चैन लग गया है। और इसको नीचे एक कपड़ा हमने लगा लिया, अटैच कर लिया, और इधर से ऐसे है। और ये नीचे वाला कपड़ा वो मोड़ के इसका पक्का कर लीजिए इस तरह से, और सिलाई मार लीजिए यहाँ से। यहाँ से यहाँ पर इसको हम पैक कर देते हैं। ये जो पट्टी हमने बनाया है, ये पट्टी को इस तरह से इसका ऊपर पल्ला के ऊपर में यहाँ पर रख देंगे। ये जो है आपका बाया हाथ का तरफ में जो है बनता है, ये वाला, ये जो पॉकेट बनाया है। और यहाँ से जो है इस तरह से इतना सिलाई ले लीजिए, एक से आपका इसको पकड़ करके इसको अटैच कर दीजिए। ये पट्टी हमने लगा दिया है। और यहाँ से ब्रेस जो खोलने का निप्पल बनेगा, ये 1.25 इंच का है। ये 1.25 इंच का इस तरह से जो है हम यहाँ से सिलाई मार लेंगे इसको। एक हिसाब से यहाँ पर सिलाई मार लीजिए इसको, निप्पल के लिए। देखिए इस तरह से मार लिए हैं, और इसको ऐसे करके काट लीजिए यहाँ पर। काटने के बाद में इसको जो है इसको मोड़ लीजिए इस तरह से, बकरम को इस तरह से मोड़ लीजिए यहाँ पर। और यहाँ का सिलाई के हिसाब से इसको मोड़ लीजिए। मोड़ लेने के बाद इसको अंदर से ऐसे पलटी कर दीजिए। पलटी कर देंगे, देखेंगे इसका जो है प्रेस का निप्पल जो है कितना अच्छा बन जाएगा। अगर कोई चीज़ है आपके पास में तो इसको ऐसे डाल करके थोड़ा सा और ये कर दीजिए। और देख लीजिए इसको जो है हमने कितना अच्छे से निप्पल को बना दिए हैं। ये देखिए, अब इसको क्या करेंगे हम जो है ऊपर से थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेंगे इस तरह से, नाखून मार करके, ताकि इसके ऊपर में जो हमको सिलाई मारना है वो आसानी से हो सके। अब देख लीजिए इसको जो है क्या करना है, ऐसे लग करके ये जो निकल रहा है ज़्यादा छोटा बड़ा है, यहाँ से इसको पैक कर लीजिए पहले। थोड़ा सा खाली एक सेकंड में, ये देखिए हमने यहाँ से जो है पैक कर लिया है इसको, और एक चाप का सिलाई मार लिया है। हाँ, यहाँ सामने से आप देख सकते हैं एक चाप का सिलाई मारा है, और ये चैन लग गया है। और इस तरह से जो है हम पूरा एक चाप का सिलाई मारेंगे यहाँ तक, फिर आगे का दिखाते हैं। ये देख लीजिए, हमने इसको लगा दिया है। और यहाँ से जो है मोबाइल पॉकेट भी बन गया है, ये देख सकते हैं आप, इसमें मोबाइल आराम से रखेगा। कपड़ा थोड़ा सा कम था इसमें, तो इसके लिए थोड़ा सा जॉइंट यहाँ पर लग गया है, नहीं तो कपड़ा ज़्यादा रहने से जॉइंट की ज़रूरत नहीं। ये हो गया है आपको। आप देखिए ये जो कॉलर का है, ये कॉलर भी कैसे सिलाई करें, हमने पेस्टिंग कर लिया था। पेस्टिंग करने के बाद में ये नीचे का हिस्सा को हमने मोड़ लिया है इस तरह से, और ये दोनों साइड सिलाई मार लिया है। सिलाई मारने के बाद में इसको क्या करेंगे, अभी जो है इसको कोना को निकाल लीजिए इस तरह से। इस तरह से कोना निकाल लीजिए, पलट लिया है इसको, और इसको कोई चीज़ से जो है इसका कोना थोड़ा निकाल लेना है। तो इस तरह से जो है कॉलर कंप्लीट हो गया। इसको अटैचिंग करेंगे, इसका जो है आधा भाग में जो है हमने झटका लगा लेना है इसको। झटका लगा करके उसी हिसाब से सिलाई करके भी आपको दिखाएंगे। देखिएगा, ये है आस्तीन। आस्तीन जो है इसमें जो हमने प्रेस से तोड़ लिया था, इसको तोड़ करके इसको जो है किनारी में इतना सिलाई मार करके इसको हेम कर लिए हैं, मोड़ लिए हैं, स्टिचिंग कर दिए हैं। कर देने के बाद में जो आस्तीन का पोजीशन होता है उसको बराबर से ले करके, और इसको एक सिलाई यहाँ पर मार लेना है। जो दाग लगाए रहते हैं उसके दाग के हिसाब से जो है वो सिलाई हो गया, ये आस्तीन कंप्लीट हो गया। इसको चढ़ाने का तरीका हम आपको दिखाएंगे किस तरह से इसको होता है। इंटरलॉक मारा जाएगा, मारने के बाद में इसको चढ़ा के दिखाएंगे। और एक चीज़ है, देख लीजिए एक साइड में जो है हमने इसको बना लिया था, ये बैक पोजीशन था आपको दिखाए थे।
और यहाँ से चाक खुला हुआ था, ये साइट है और यहाँ से डॉट मारा गया है और यहाँ पर ये जो है ब्रेस्ट के लिए पट्टी का कपड़ा लगाया गया है और ये कंधा जोड़े हैं। एक साइड का हमने कंधा जोड़ लिया था, अब दूसरा साइड का जो है कंधा आपको जोड़ करके दिखाते हैं, जो अभी हमने पॉकेट बनाया है तुरंत में, मोबाइल पॉकेट जो बना करके रखे हुए हैं ये वाला देख लीजिए, इसे तरह से इसको जो है जोड़ना है आपको। ये जो है एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर दिख रहा है इसको थोड़ा सा काट लीजिए, इसको बराबर कर लीजिए और यहाँ पर बैक पल्ला इसको सीधा रखिए और इसको भी सीधा रखना है। रखने के बाद में यहाँ से जो है इसको अटैच कर लीजिए, यहाँ से एकदम बराबर से इसको रख करके एक सिलाई यहाँ से मारिए इस तरह से और फिर इंटरलॉक करके फिर ऊपर से एक सिलाई मारना है। अभी इंटरलॉक करते हुए भी आपको दिखाएंगे हम, थोड़ा सा सिलाई मार के देख लीजिए और साइड को भी जो है इस तरह से हम ज्वाइंट करेंगे। अब साइड का भी ज्वाइंट को देख लीजिएगा, देखिए ये साइड है, यहाँ से ये वाला साइड का पल्ला है, इसको जो है इस तरह से नीचे से बराबर कर लीजिए, बराबर करने के बाद में ऊपर में ला करके इसको जो है साइड मार लेना है इस तरह से। हमने साइड को जोड़ दिया है, ये मार्केट के हिसाब से सिलाई मार लिए हैं। यहाँ देखिए आकर के बैग से बराबर हो गया है और ये देखिए आर्म होल ये तैयार हो गया है, आर्म होल अपना। और इसको क्या करना है अभी, इसको जो है इस तरह से ये शोल्डर से हमने शोल्डर 1.5 इंची बढ़ा के रखा था तो 1.25 इंची पीछे चले जाएगा, 1.5 इंची इस तरफ आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आर्म होल का चटका लगा लेंगे, यहाँ चटका लगा लेंगे बगली में यहाँ पर ही इसका। और इसको आस्तीन को जो है हमने जो बना के रखा है इसको इस तरह से ले लीजिए, लेने के बाद में इसको नाप के देख लीजिए यहाँ से यहाँ ये सही आ रहा कि नहीं आ रहा है आपका जो है जॉइंट। ये देखिए एकदम सिलाई से यहाँ पर सामने ला करके दिखाइए, यहाँ से देखिए यहाँ सिलाई मारा हुआ ये है और यहाँ से यहाँ देख लीजिए बिल्कुल आर्म होल बराबर आया है। तो हमारा कटिंग का आपने फार्मूला देखा था उसमें एकदम बराबर है, इसको जब अस्तिन चढ़ाइएगा तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सर लगाएगा, ठीक है। ये आपने देख लिया और इस साथ साथ में आप गले का भी देख लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं गला का भी कितना परफेक्ट एकदम हमने काटा था, कटिंग मेरा जो है मिस्टेक नहीं है, कटिंग में आप देख सकते हैं सिलाई कटिंग दोनों एक साथ दिखाते हैं। ये देखिए अपरॉन का भी जो है अंधेरा पड़ रहा, ये देखिए इस तरह से जो है आप ये कर लीजिए, बैक है और ये सामना है, हमने इसको पकड़ लिया है, ये ब्रेस का अलग से रहेगा और यहाँ देखिए यहाँ चटका लगा हुआ है, ये चटका दिख रहा है आपको और यहाँ से हमने लगा है, ये देखिए एकदम बराबर में यहाँ से आ जाएगा। अभी आपको लगा के भी दिखाएंगे, ये इसको हमने झलक मान रहे हैं, ये आस्तीन है, आस्तीन को जो है दबाए और इसको जो है इलेक्ट्रिक से चलता है मशीन रोक दिए। ये देखिए इसको जो है हमने कॉलर जो है ले लिया था इसको, ये है ये तो कटा हुआ ही है, अब देखिए इसको कैसे लगाते हैं, इसको अटैच करते हैं, यहाँ से कॉलर का जो ये कटा हुआ पीस है यहाँ से और इसको एक चाप से बिल्कुल बराबर ढंग से यहाँ से जो है ले लीजिए इस तरह से सिलाई, देखिए इस तरह से ले लेंगे। और ये जो खुटका हमने लगाया हुआ है, ये खुटका जो लगाया था हमने इसको और ये बीच सेंटर को यहाँ जो दाग है इसको यहाँ से यहाँ मिला लेना है ताकि ये आधा का काम हो जाएगा, ठीक है। हमने जो है सिलाई मार लिया है इसको, वीडियो लंबा हो जाने की वजह से आपको जो है पूरा पूरा नहीं दिखा रहा लेकिन आप समझ जाएंगे जो मेन मेन चीज़ है उसको हम समझा दे रहे हैं। और यहाँ देख लीजिए आप ये आने के बाद में इस तरह से ये जो कंधा है ये कंधी के पास में से जो है इसको सिलाई स्टार्ट करिए इस तरह से, कंधी के पास से पूरा जड़ से नहीं लेना है क्योंकि कॉलर जो है भाग जाता है इधर आगे पीछे हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको आधे से स्टार्ट करते हैं कंधी के पास से हमेशा, इसका यही सिस्टम है। ये देख लीजिए यहाँ से जो है इसका जड़ को जो है अच्छे से ये ले लीजिए, ना तो ऐसे ऐसे हो जाएगा तो ख़राब दिखेगा, इसको ढक करके लेना है ऐसे करके, यहाँ से इसका जो है इसको मुँह को अच्छा से पैक कर दीजिए इस तरह से। इधर का जो देखिए हमने इस तरफ का जो है लगा लिया है आधे से ताकि उधर से आने के टाइम में ये आगे घसक जाएगा, इसके लिए हम लोग आधे से पहले लगा लेते हैं इसको और आधे से फिर इस तरफ से आप जो है इसको लगाइए, लगा करके जो है इसको पूरा कर लीजिएगा। आपको दिखा दिया था ये सामने में एक चाकू सिलाई मार रहे हैं और यहाँ से यहाँ यहाँ से इधर तक आ गया है। अब देखिए इसको जो है कैसे ये करते हैं, ये इसका कॉलर का भी यहाँ से जो है एक चाप का ऊपर में सिलाई मार लेंगे इस तरह से जो है पूरा एक चाप से लेकर के यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। उसका फिर आस्तीन चढ़ाने का आपको दिखाते हैं, रुक जा आवाज़ नहीं करना कोई। ये देखिए आस्तीन को इस तरह से ले लीजिएगा, यहाँ से ये जो गहराया हुआ है ये
तो इसको ऊपर रखना है और ये जो है नीचे रहेगा, ये हमेशा फ्रंट साइड में जाता है और ये बैक साइड में जाता है। तो इसको देखिए, ये जो ताला सोन लगा लिया, अब ये आस्तीन चढ़ाना है। आस्तीन को जो है ऐसे फ्रंट साइड से ऐसे ले लीजिए, ये फ्रंट को जा रहा है, ये बैक को जा रहा है। तो ये जो हमने दाग लगाया था ये चटका, इसी चटके से जो है ये वाला सेंटर को ऐसे कर लीजिएगा। यहाँ ये वाला जो सिलाई का सेंटर है, यहाँ से यहाँ ये चटके के पास में बराबर कर लीजिए और इस तरह से इसको अंदर ले लीजिए। अंदर अंदर लेने के बाद में इसको बराबर से इस तरह से ऐसे रख करके यहाँ पर ये देखिए चटका लगा हुआ है और ये सिलाई का ये हो गया सामना हिस्सा। और इसको इस तरह से थोड़ा सा मोड़ लीजिए और इसको इस तरह से यहाँ से रख लीजिए, ऐसे एक चाप से मारना है। और ये एक बात और है कि जो सिलाई है आपका, जो साइड का सिलाई गया है, इसको बैक साइड में पलटी करना, ना कि सामने साइड में पलटी करना, इसको बैक साइड में देना है पलटी करके। और इस तरह से आप जो है ले करके एक एक चाप से इसको पूरा सिल लीजिएगा। दिखाओ, ये देखिए, ये जो है शोल्डर में भी ऊपर में हमने सिलाई मारा है, इसको यहाँ पर शोल्डर में एक चाप का सिलाई मारना पड़ता है। और आस्तीन हमने चढ़ाने का दिखाया था, ये देखिए आस्तीन एकदम चढ़ गया है। और आस्तीन जो है हम जो उतारते हैं चेस्ट में 1/4 का जो है उसमें 1 इंची कम करके हमने आस्तीन का आर्म होल का जो है ढलान देते हैं, वो एकदम परफेक्ट आ जाता है। और गला भी जो है हमने जो काटा था वो भी एकदम परफेक्ट आ गया है। अब ये कम्प्लीट हो गया है, ऑलरेडी हो गया है। अब इसका जो है खाली दामन जो है मोड़ देना है। दामन में कुछ है नहीं है, इसको जो है एक फोल्ड लेकर के इस तरह से जो है इसको मोड़ लेना है, एक सिलाई मार लेना है। तो आपने चैनल को मेरा देखा है और इसको जो है लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग सीखते हैं तो आप लोग को बनता है कि आप लोग लाइक करें, दूसरों को शेयर भी करें और जो नए लोग हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा जो नया वीडियो आएगा उसको आप देख सकेंगे। इसको 2-3 पार्ट में दिखाया, हमने कटिंग का दिखाया है और सिलाई का 2 बार करके दिखाया है। इसको जो है देख सकते हैं आप मेरे वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।